भी चले चलो यूं ही, जब तक चली चले। बाबूजी, यही है दीपक महल। मट्टू, अरे ओ मट्टू, तुम्हारे नए मालिक आ गए। लागू सरकार, क्या नए मालिकों को देखकर तुम खुश नहीं हुए? खुश भी हुआ और हैरान भी। हैरान क्यों? अभी बताता हूं सरकार, आइए। दीपक महल के पुराने मालिकों की तस्वीरें। लेकिन हम तो नए मालिक हैं। हमारी तस्वीरें पुराने मालिकों के साथ क्यों? मैं जानता था आप यही कहेंगे, लेकिन ये आपकी तस्वीरें नहीं। हमारी तस्वीरें नहीं? जी नहीं, यह है आपसे पहले दीपक महल के मालिक बीजन और उनकी पत्नी बनानी। उनकी मौत के बाद किसी ने ये महल नहीं खरीदा था, और आज 25 साल के बाद बीजन और बनानी नए जन्म और नए नाम लेकर अपने ही महल को दोबारा खरीद कर उसमें रहने आए हैं। और मेरी बूढ़ी आंखें देख रही है कि प्रेम का नाता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का होता है। मौत की आंधी मोहब्बत के चिराग को कभी नहीं बुझा सकती। पति पत्नी तो सभी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत में क्या अनोखी बात थी? ब्राह्मण और बंजारन की मोहब्बत क्या अनोखी नहीं होती? ब्राह्मण और बंजारन? हाँ सरकार, दुनिया की निगाह में बनानी एक बंजारे की लड़की थी। बनानी असल में थी कौन?
वो एक लंबी कहानी है मालिक। यहाँ से करीबन 100 कोस दूर रियासत चांदपुर में शिवनारायण जमींदार रहते थे। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, जमीन, दौलत, इज्जत, लेकिन औलाद नहीं थी। जमींदार को दूसरी शादी की सलाह दी गई, लेकिन अपनी पत्नी से गहरा प्रेम होने के कारण दूसरी शादी से इनकार करते रहे। औलाद के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, गरीबों को दान दिया, मंदिरों में दिए जलाए, चार धाम की यात्रा की। आखिर भगवान ने उनकी पुकार सुनी और बुढ़ापे में उनकी उमंगों की डाली पर फूल लगने की उम्मीद पैदा हुई। बहुरानी की हालत बहुत खराब है। दाई माँ, भगवान के लिए जैसे भी हो बहुरानी को बचा लो। वो मुझे औलाद से भी लाख सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा, अपनी जिम्मेदारी भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसे बचा लो दाई माँ। भगवान को लौटा दो और तुम वापस आ जाओ निर्मला, तुम वापस आ जाओ। मालिक, ये बच्ची जिंदा है, इसे तो एक बार देख। नहीं, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसने मेरी निर्मला को मुझसे जीत लिया। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। ये बच्ची वाकई मनहूस है शिवनारायण। गुरुदेव, माँ के लिए मौत, बाप के लिए जो बच्ची पैदा होते ही माँ को खा गई, उसकी छाया भी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। इस बच्ची को फौरन चंपा नदी के लहरों के हवाले कर। गुरुदेव, आखिर मेरे सीने में भी तो एक भाप का दिल है। जमींदारी को बचाने के लिए तुम्हें उस दिल पर पत्थर रखना होगा शिवनारायण। हम से पागल शिव नारायण गुरु की आज्ञा के मुताबिक मासूम बच्चे को संदूक में बंद करके चंपा नदी में बहा आया। संदूक कई दिन और कई रातें नदी में बहता रहा। क्या वो जिंदा रही? जिसे साईं रखे उसे कौन चखे। बंजारों के सरदार तिंकरी की यहाँ कोई औलाद नहीं थी, उसने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम पनानी रखा। नगर नगर घूमते घूमते एक साल हमारे गांव के मेले में तिंकरी का कबीला आया। उस वक्त बनानी नौजवान हो चुकी थी और एक दिन जब हमारे छोटे सरकार शहर से गांव लौट रहे थे,
बनाने वो कौन था धतूरा खाके कहा अपनी अखियों से पूछ जानी मर जाऊंगा धतूरा खाके तेरी कसम मादल मैंने किसी को नहीं देखा आशक को नहीं देखा तो तेरी अखियां क्यों बोल रही हैं मेरी अखियां नहीं तेरी मौत बोल रही हाँ 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 इन नाजुक हाथों में लाठी नहीं वरमाला अच्छी लगे है वो अपना सरदार है ना वो तुझे मेरी दुल्हन बनाना चाहता है धतूरा खाके तेरी दुल्हन बनती हूँ या सरदार से कहूँ तेरी आदत की बात अरे क्या क्या कह दे मैं क्या डरती हूँ लाठी चलाने में कम चलाने में कम तो अपने लाडली से पूछो ये कहाँ गई थी किसको मिलने गई थी कहाँ गई थी बनानी हुआ ये बापू कि मैं खेत के मुंडेर पर बैठी थी इतने में एक खूबसूरत पंछी भी आ बैठा वहाँ लगा देखने मेरा जी जहाँ गाने को मैं गाने लगी इतने में क्या देखती हूँ बापू कि दूर से एक जंगली बदसूरत बंदर चला रहा है नाग कसम बापू सर पर पाँव धर के जो भागी हो तो यहाँ आकर दम नहीं 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 नागराज कसम खा के बता तू कहाँ गई थी बता तो दिया उसने मादल मतबल नहीं समझते हो सरदार वो पंछी जानते हो कौन था वो एक परदेसी था परदेसी और वो बदसूरत जंगली बंदर बदसूरत जंगली बंदर वो मैं था धतूरा खाके अरे बनानी ये कौन था मुरली वाला तेरी कसम झरना मैंने तो किसी को भी नहीं देखा हाय दया
तो फिर ये आंखों में मस्ती कैसी? मुरली का जादू, मुरली का जादू। बनानी। आए बाबू। हाँ बाबू। हमारे कबीले की रीत के मुताबिक कबीले की कोई छोकरी किसी बाहर वाले को प्रेम की नजर से नहीं देख सकती, चाहे वो बाहर वाला राजा ही क्यों न हो। अरे के देखे बाबू तो मेरी बेटी उसकी सजा मौत है, तू मादल की मंगेतर और कबीले की इज्जत है। कबीले की इज्जत के बचाव के लिए बंजारे खून की नदियां तक बहा देंगे। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, क्यों कैसी कैसी? रास्ते में कहाँ उतर गए थे आप? रास्ते में मट्टू कालिंदी के बाद में एक लड़की झूला झूल रही थी। लड़की झूला झूल रही थी? हाँ, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। ये बात क्यों कैसी कही? अच्छा किया बीजल तुम आ गए, मरने से पहले कोई पानी देने वाला तो पास होना ही चाहिए। ऐसा ना कहो बापू, तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। बेटा, अच्छे होने की आशा होती तो तुम्हारी पढ़ाई बंद करके तुम्हें यहाँ कभी न बुलाता। मरने से पहले मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम बाप दादा की जिम्मेदारी संभालो और किसी अच्छे घराने की लड़की से शादी करके सुख और चैन की जिंदगी बसर करो। बेटा, ये अंगूठी तुम्हारी स्वर्गवासी माँ ने तुम्हारी दुल्हन के लिए बनवाई थी। अगर मैं तुम्हें दुल्हा देखने से पहले चल बसा तो ये अंगूठी अपनी दुल्हन को पहना देना। वाला कोई छोटे सरकार, क्या है अवतार सिंह? बड़े सरकार, बंजारों ने हमारी जमीन खाली करने से इनकार कर दिया। देखा बेटा, इसे कहते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने लगे। बसंत के मेले के मौके पर ये बंजारे हमारे गांव में आए थे और सिर्फ 7 रोज के लिए जमीन मांगी थी। आज पूरे 7 महीने हो गए छोटे सरकार, इसीलिए तो उन बेईमानों को कोई आसरा नहीं देता। छोटे सरकार, मट्टू जी, तुम जाकर बंजारों के सरदार को बुला कर लो। वहां तो कोई नहीं है छोटे सरकार। कहां? झूले पर। क्यों, कैसी कही? झूला? हाँ बाबू, बात यह है मंदिर में झूला तो होना चाहिए ना। ओ, कितने धार्मिक विचार है मेरे बेटे के। खूब समझे बड़े सरकार। क्यों, कैसी कही? मट्टू जी, जाकर बंजारों के सरदार को बुला कर लाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, जाओ। हाँ। है भैया, तुम फिर आ गए मट्टू? हम प्यार करना सकता घर में? अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मेरे कबीले वाले तुम्हें बहुत मारेंगे। अगर मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देखूं तो फिर तुम्हारी दोनों आंखें निकाल देंगे। और मैं हाथ पकड़ूं तो फिर तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ देंगे। और मैं तुम्हारे सर के बालों से खेलूं तो फिर तुम्हारे सर पे एक बाल भी नहीं रहेगा। हाँ, बड़े जालिम है तुम्हारे काबले वाले। तुम मेरे साथ भाग चलो झरना। क्यों, कैसी कही? बुलाऊं सरदार को? नहीं नहीं, सरदार को नहीं बुलाना, और उनको ये भी नहीं कहना कि मैंने तुमको छेड़ा है। तुमने छेड़ा ही कहा है? काय से क्या है बे? ओ सरदार जी, क्यों कैसी कही? अभी तो तूने कुछ बका भी नहीं है, कैसी कही क्या? अभी बकता हूँ, छोटे सरकार ने तुमको बुलाया है। तेरे बड़े सरकार ने मेरा क्या बिगाड़ लिया जो छोटे ने बुलाया है? चल देख लेता हूँ। सलाम साहब, आपने मेरे को क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा जवाब? मैं मजबूर हूँ। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जबरदस्ती को मजबूरी कहते हो? छोटे सरकार, आप इतने जनों को तो पालते हैं, एक मेरा कबीला भी सही, हम सब भी आपकी जमीन में मजदूरी कर दिया करेंगे। नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हारे ढोर डंगर हमारे गांव की सारी खेतियां बर्बाद कर देते हैं। छोटे सरदार, कुछ तुम ही दया करो। मैं इंसानों का जिम्मा ले सकता हूँ, ढोर डंगरों का नहीं। तिनकौड़ी, याद रखो, अगर कल सुबह तक तुमने हमारी जमीन खाली नहीं कर दी तो तुम्हारी झोपड़ियों में आग लगवा दी जाएगी। मैं खूब समझ गया मालक। चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी
तड़प उठी दे तेरे प्यार को पिया पिया ना लागे मुरा जिया आजा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी तड़प उठी दे तेरे प्यार को पिया पिया पसंद है बहुत क्यों राधा को कन्हैया की बांसुरी क्यों पसंद थी बचाओ Thank you.
तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? एक बार फिर बांसुरी बजा दो। अगर फिर सांप ने काट खाया तो? फिर ठीक कर दूंगी। फिर बदला कैसे चुकाऊं? फिर बांसुरी बजाना। और फिर सांप आ गया तो? फिर मैं उसे काट खाऊंगी। अब तो बजाओ। तुम बजाओ। मैं सिखा दो। मांगू? मांगो। पर तुम दोगे नहीं। तुम मांग कर तो देखो। मैं तुम्हें अपना सारा संसार दे सकता हूँ। बाबू मुझे यह अंगूठी दे दो। ये अंगूठी मेरी माँ की निशानी, उनकी आखिरी आरजू थी। ये अंगूठी उनकी बहू को पहनी। मैं तुम्हारी बहू बापू। एक दिन बनूंगी जरूर। लेकिन बापू तू तो कुछ भी नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? बनन। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। छोटे सरकार, काबली वाले कल सुबह जा रहे हैं, मेरी झरना जा रही है, उन्हें रोको। झरना की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैं उम्र भर फोकट में नौकरी करूंगा, एक कौड़ी पगार नहीं लूंगा। आपको क्या हो गया है? शायद वही जो मुझे हो गया है। फर्क इतना ही है कि आप चुप हैं और मैं बकवास किए जा रहा हूँ। हाय दैया, यह मोहब्बत भी अजीब चीज है, किसी को चुप करा देती है, किसी को बकना सिखा देती है। झरना क्यों, नए यार से मिलके आ गई धतूरा खाके? छोड़ दे, छोड़ दे मादल, नहीं तो धतूरा खिला दूंगी। तेरा डंडा उठाओ मादल, सवेरे गांव छोड़ना है। हाँ सरदार। क्यों बापू? छोटे सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गांव में अब तुम लोगों की समाई नहीं हो सकती। अरे 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 अरे, छोटे सरकार तो अपने बाप का भी बाप निकला धतूरा खा के। मैं कहता हूँ बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बापू, छोटे मियाँ सचमुच से काबू आ सकते? क्या? अरे ये तरकीब कहीं अपने नए यार से सीख कर तो नहीं आई धतूरा खा के? मैं जंगली बंदरों से नहीं बोलती। बापू, छोटे सरकार को एक नाच दिखाने की जरूरत है। इधर वो खुश हुए, उधर जमीन अपनी। अरे 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 अरे, ये तेरा नया यार कहीं छोटा सरकारी तो नहीं? तेरे कैसे पता चल गया उसे नाच गाना इतना भावी है? नाच गाने का शौक सबको होता है, सिर्फ जंगली बंदरों को नहीं। जंगली बंदर कहाँ है? बनानी, तेरी बात मेरे मन को लगे। बापू, धरना। हम आ गए, तुम्हारे साजन आ गए। झरना, घुंघट खोलो। है? काबले वाले कल सुबह जाएंगे, अपन अभी भाग चले। झरना उठो ना प्यारी। झरना, झरना बोलते क्यों नहीं? झरना, आज ही मरना, कल भी मरना, फिर मरने से क्या डरना? सो जाओ। क्या हो रहा है? ये तो प्यार की गर्मी, और ऊपर से खटमल काट रहे हैं धतूरा खा के, नींद ही नहीं आती। बाहर जाके हवा खा गया। काम का छोटा। इसी आ
दफा सरदार से कहा, सरदार इतना धतूरा मत खिलाया करो, नींद नहीं आती। गरम, जिगर गरम, धरना की याद आती है वो भी कम्बख्त गरम, ख्याल आता है वो भी गरम, ख्वाब आता है वो भी गरम। इस गर्मा गर्मी में मैं कहीं पागल न हो जाऊं छोटे सरकार। अबे मोटू, तू तो पागल नहीं होगा, लेकिन तेरी बकवास सुनकर मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। जा, जाकर सो, चल। सोता हूं तो जागने को जी चाहता है, जागता हूं तो उठने को जी चाहता है, उठता हूं तो झरना की याद आती है और भागने को जी चाहता है, और भागता हूं तो कपड़े फाड़ने को जी चाहता है, कपड़े फाड़ता हूं तो बड़े प्यार से सीने को जी चाहता है। छोटे सरकार, छोटे सरकार, प्रेमी और पागल में कितना फर्क होता है? पागल और प्रेमी में कितना फर्क होता है? उतना ही जितना कि तुझ में और एक गधे में होता है। गुलाम देते हैं सलाम, देख लिया ना
लाओ जी नाम चुन चुन घुंघरू बोले मेरी चाल नशीली डोले मन गाने लगा समझाने लगा तू आज किसी की बोले चुन चुन घुंघरू बोले बन्नानी छोटे सरकार आज खुश मालूम होते हैं जा उनसे जमीन मांगे सलाम छोटे सरकार तुम और सरदार तिनकरी वो मेरे बापू हैं तो तुम लोग जा रहे हो आपने जाने को जो कह दिया नहीं बनानी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तो फिर रोकते क्यों नहीं बापू लेकिन बनानी मैंने उस दिन पिताजी के सामने सरदार तिनकरी से कह दिया था कि तुम चले जाओ यहाँ से उस वक्त मुझे मालूम नहीं था तुम उसी कबीले की हो अब तुम्हें बताओ मैं पिताजी से क्या कहूँ किस मुंह से कहूँ मैं समझ गई छोटे सरकार राज जो मुझसे मिला था वो जमींदार ना था प्यार था अब वो जमींदार है और मैं बन जा रही रात गई बात बनानी बाबू हम बंजारी जिसे एक बार अपना कहते हैं फिर उसे नहीं भूलते मैं जन्म भर तुम्हारी राह देखूं और मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा कहीं ना कहीं तुमसे मिले बगैर मरूंगी नहीं बाबू बनाने क्या है क्यों इनाम मिल गया बनाने अरे सरदार अरे खुश कर दिया था तू रखा के शाबाश शाबाश चलो झरना एकदम भाग चले मैं जमींदार को छोड़ता हूँ तुम बंजारों को छोड़ दो ना दिया तुम उनको छोड़ना नहीं चाहती तो मैं बंजारा बन जाता हूँ क्यों कैसी कही खूब कही अबे बंजारा वो हुए है जो जन्म का बंजारा हुए है अरे सरदार जी आपने मेरी शक्ल नहीं देखी मैं तो बिल्कुल आपका लड़का मालूम होता हूँ मैं एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का बंजारा हूँ हाँ सिंध हैदराबाद का रुल्दू मारवी मेरा सगा बाप था और घसीटन गोपिया वाली मेरी असली माँ थी क्यों कैसी कही अबे रुल्दू मारवी तो भंगियों का नाई होवे था भंगियों का नाई था तो मेरा बाप कोई और होगा अच्छा फिर मिलेंगे धरना पहले अपने बाप का पता कराऊं काबिले को रोकने का जतन ढूंढ निकाला है क्या सोचा है तुमने सोचा वो करते हैं कि जिनके पास भेजा नहीं होता और जिनके पास भेजा होता है वो कुछ करके दिखाते कहाँ चले पिताजी के पास क्यों उनको बताने कि आपको सांप ने काट खाया है और उसका इलाज एक सपेरे नहीं कर सकती है क्यों कैसी कही बड़े सरकार बड़े सरकार बड़े सरकार बड़े सरकार सांप ने काट खाया कहाँ मुझे नहीं छोटे सरकार को हाँ हवेली में सांप कैसे घुसाया ये तो सांप ने मुझे नहीं बताया सरकार क्यों कैसी कही क्यों कैसी कही के बच्चे जा जल्दी किसी सपेरे को बुला के लिया जाता हूँ सपेरा सपेरन जो मिले उसको लेकर मैं अभी आता हूँ फौरन जा जल्दी ओ कबीले वालों रोको कबीले को ओ कबीले वालों अरे ओ कमबख्त कबीले वालों वालों
से चिल्ला रहा हूँ, रोको रोको, चले ही जा रहे हो जैसे बाप का राज हो। सरदार जी, क्यों, कैसी गई? जाए बे, छोटे सरकार को सांप ने काट खाया है। छोटे सरकार को सांप ने काट लिया? बड़े सरकार ने कहा है जितना रुपया मांगोगे उतना मिलेगा। बनानी, छोटे सरकार को कुछ हो गया तो इनाम नहीं मिलेगा बापू। बनानी, अरे ओ बनानी, कहीं ऐसा ना हो कि बहाना हो इनाम का और जा मिलो अपने नए यार से धतूरा खा के। अरे सुनती है, तुम भी चलो ना झरना। हाय दैया, क्यों? वो सांप मेरी तरफ ऐसा देख रहा था जैसे वो अब मुझे भी काटने वाला है। अगर सांप ने तुम्हें काटा तो मैं जरूर चलूंगी। हाय दैया, तुम तो मेरे जान की दुश्मन मालूम होती हो। कैसी गई? अच्छी गई। छोटे बाबू, छोटे सरकार, कौन हो तुम? मैं सपेरन हूँ, सांप का जहर उतार देती हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? चौकंबा, मैंने तुझसे कहा था सपेरा लाने को, ये इस लड़की को क्यों पकड़ लाया? बड़े सरकार छोटे सरकार का इलाज नहीं कर सकती है। क्यों, कैसी कही? कैसी कही का बच्चा, कोई सपेरा होता, कोई बड़ी बूढ़ी होती है तो एक बात भी थी, ये करती छोकरी क्या करेगी भला? बापू मैं मर रहा हूँ, सपेरा हो या सपेरन, बुढ़ी हो जवान, कोई भी हो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो बापू। छोटे सरकार, नागरिक कहाँ काटा? समझे, क्या बात है सपेरन? बड़े सरकार, इनको अनोखे नाग ने काटा है, इसलिए इनका इलाज भी अनोखा ही होगा। वो क्या? अकेले में। अकेले में? बिल्कुल अकेले में, नागों की नाग शेष नाग की आराधना के मंत्रों का जाप करना होगा। हाँ, जाइए बाहर, जाइए बाहर, जाइए। अरे तुम भी बाहर जाओ। हे नागों की नाग, शेष नाग, देवी नागिन के महापुरुष, छोड़ो। कम्बख्त, अगर मेरे बच्चे को आराम ना आया तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। लो, काटा नाग ने और गला आप मेरा घोटेंगे। क्यों, कैसी कही? कैसी कही का बच्चा, अब मैं तुम्हें कभी ना जाने दूंगा। तुम जाने भी दो तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रही है? सांप ने काटा पैर को और तुम मालिश कर रही है सर की? जहर पांव से सर तक पहुंच गया है बड़ी सरकार। मैं इनके बालों में नहीं, नाग देवता के बालों में हाथ फेर रही हूँ, शेष नाग को मना रही हूँ। आ जाओ, मान जाओ नाग देवता। मैं न मानू, मैं न मानू। अरे बेटा, मान भी जाओ ना। बेटा, अरे बेटा हो तो माने, ये तो नाग देवता बोल रही है, मान जाओ। आप लोग अभी तक यहाँ खड़े हैं, जाइए जाइए बाहर, जाइए नहीं तो मेरा सारा मंत्र बेकार हो जाएगा। चलो चलो बड़े सरकार, चलो जाओ, मान जाओ नाग देवता। मान गए देवता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिसे मैं एक जमाने से ढूंढ रहा था वो तुम ही हो। अरे कम्बख्त, मेरा लड़का उस लड़की से ये क्यों कह रहा था कि जिसे मैं एक जमाने से ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो? बड़े सरकार, आप बड़े दुख में हैं, इसलिए आपके कान बज रहे हैं। अजीब बात है, तुम कह रहे हो मेरे कान बज रहे हैं और वो कहती है कि नाग देवता बोल रहे हैं। हद हो गई, इस गांव में हजारों आदमियों को सांप ने काटा लेकिन दरवाजा बंद करके अकेले में ये इलाज पहली बार देख रहा हूँ और नाग देवता को बोलते हुए भी पहली बार सुन रहा हूँ। बड़े सरकार, ये नाग भी बड़ा अजीब है, ये सिर्फ नौजवानों को ही काटता है। हाँ? अगर ये बात है तो इस छोकरी से काम नहीं बनेगा। तुम जरूर जाओ और किसी बड़े सपेरे को बुला लाओ। आ गया, आ गया, आ गया। आराम आ गया। हाँ पिताजी, आ गया। आराम आ गया। तुम अच्छे हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। धन्य हो भगवान, धन्य। सपेरन, शाबाश, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, मांगो, क्या मांगती हो? जो मुझे चाहिए वो आप नहीं देंगे बड़े। तो तुम्हारा मतलब उस जमीन से है जिस पर तुम लोगों ने डेरा जमाया हुआ था? जाओ, मैंने तुम्हें उसे वापस दिया। हाँ, बड़ी खुशी से। आप देवता है, आप देवता है बड़े सरकार। बापू, मैं मेरे बेटी बच गया। बेटा जी, मेरे बेटी। बाजवत, बाजवत, सरदार, हाँ सरदार, इस जमीन की तुमने बहुत बड़ी कीमत दी है। मादर,
मैं कहता हूँ सरदार, वो तुम्हारी बनानी है ना, वो छोटे सरकार के साथ प्रेम की रास रचावे है। हर जवान आदमी तुझे बनानी का प्रेमी नट लगे। और प्रेमी नहीं है तो मैं कहता हूँ जमींदार ने हमारी जमीन को वापस लौटा दी। वो जमींदार जो हम पर इतना नाराज था, एकदम से मोहब्बत क्यों करने लग गया हमसे? जब हम चलने लगे हैं तो उसी समय पर छोटे सरकार को सांप ने क्यों काट खाया? और फिर बनानी छोटे सरकार के सामने नाच करने क्यों गई धतूरा खा के? इन सब लड़ियों के अंदर तुम्हें कोई किस्सा नहीं नजर आ रहा सरदार? बनानी की हर बात तुझे किस्सा लगे है, इसलिए कि बनानी के प्रेम ने तुझे अंधा कर दिया। और सुनो सरदार, तुम्हें अंधा कर दिया जमीन के लालच ने। मैं फिर कह देता हूँ, देखो सरदार, कि तुम कबीले की इज्जत का सौदा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ धतूरा खा के। हाँ। सलाम सरकार। शुक्रिया अदा करने आए हो? नहीं 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 नहीं, मैं शिकायत करने आया हूँ बड़े सरकार। तुम्हारा मतलब? हमारे कबीले की छोकरी बनानी और छोटे सरकार। बंजारे, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। हमारी जबान खींच लेने से आप दुनिया की जबान बंद नहीं कर सकते बड़े सरकार। क्या कहती है दुनिया? वही जो मैं कह रहा हूँ। बंजारे, मैं तुम्हारी झोपड़ियों में आग लगवा दूंगा। हमारी झोपड़ियों में आग लगा देने से ये मोहब्बत की आग नहीं बुझी है बड़े सरकार। मैंने इस मोहब्बत की आग को अपनी आंखों से भड़कते हुए देखा है और मैं आपको भी दिखला सकता हूँ धतूरा खा के। गंगा का पानी नाली में कैसे बह सकता है, आज मुझे यही देखना। और मैं पीछे
अब रहा जमाना पीछे, मैं सोया अखियां मीचे। सिर्फ जमीन से ही तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई, तुम्हारी नजर मेरी इज्जत और दौलत पर भी है। जानते हो, तुम्हारी बेटी बनानी मेरे बेटे से प्रेम का नाटक खेल रही है। जबान संभाल की बात करो जमींदार, गरीब आदमी की भी इज्जत होती है। अगर तुम्हारी कोई इज्जत है तो मेरी जमीन छोड़कर चले जाओ, वरना मेरे कारिंदे तुम्हारी बोटी बोटी का डालेंगे। बापू कहाँ चले गए? अपनी बर्बादी का तमाशा देखने। बर्बादी? हाँ, तुमने ब्राह्मण होकर उस बीच बंजारन से प्रेम किया। जो फूल तुम्हें मंदिर में चढ़ाना चाहिए था उसे मिट्टी में फेंक दिया। मैं साफ देख रहा हूं कि इधर मेरी आंख बंद होगी और उधर मेरे इस घराने में एक गली गली घूमने वाली नीच बंजारन मालकन बनकर बैठी। बनानी देवी वो गली गली में घूमने वाली थी, वो एक दिल की रानी है। बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सच्ची मोहब्बत में इंसान शर्माता है, उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। भटकी हुई नौजवानी बुढ़ापे को सबक सिखा रही है। अगर तुम्हें अपने बाप के इज्जत का जरा भी लिहाज हो तो मुझे बदल दो बिजन, आज से तुम उस लड़की से फिर कभी न मिलोगे। ऐसा वचन देने से क्या फायदा बापू जी से इंसान बना सके? तो वो लड़की तुम्हें अपने बाप से भी ज्यादा प्यारी? अब ये कलंक का टीका तुम्हारे ही माथे पर लगना चाहिए, हमारे पुरखों के माथे पर नहीं। पीटर, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी उसे वापस कर, अब तुम उसे रखने के काबिल नहीं हो। वो निशानी तो उसी को मिल गई बापू जिसकी वो अमानत थी, मैंने वो अंगूठी बनाने को पहना। क्या तुमने अपनी देवी जैसी माँ की पवित्र निशानी उस आवारा लड़की को पहना दी? खड़े मेरा मुंह क्या देखते हो? चले जाओ, उसी नीच बंजारन से जाकर प्रेम का रास रचाओ, ब्राह्मण की इज्जत को ठोकरे मार दो, बाप दादा की पगड़ी उस आवारा लड़की के कदमों में ले जाकर डाल दो, और मेरी मौत के बिस्तर के सामने अपनी मोहब्बत की सेंध बिछा लो। कबीले की इज्जत मिट्टी में मिला दी कलंक नहीं, अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। सुबह होने तक तुझे इतनी दूर ले जाऊंगा कि जमींदार का बेटा तो क्या उसका ख्याल भी वहां नहीं पहुंच सकता। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर तू जितनी तो मैं भी जीती हूँ, तेरी बेटी हूँ। इज्जत के मामले में न तू मेरी बेटी न मैं तेरा बाप। तुम बाप से कसाई हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, कैसे उठा लाया मुझे? हाँ उठा लाया था, अगर ये जानता कि तू बड़ी होकर ताने देगी तो नदी में बैठे हुए जिस संदूक में से तुझे निकाला था उसे उसी नदी में बहा देता। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। चल। पुकार सुन जा पुकार।
जानता था मेरी बनानी जरूर आएगी। तुम बांसुरी में चुपके मुझे पुकारो और मैं ना हूं। तब तक महाराज को ही अपना मदारी समझो। हाय भैया, दाढ़ी नोच लूंगी। मट्टू? क्यों, कैसी कही? छोटे सरकार का मट्टू तो जोगी बन गया और छोटे सरकार। सपेरा बन गए। लिबास में हमारी बिटिया खूब जचेगी। सारा कबीला भूखा मर रहा है। इस मेले में तेरा एक गाना कबीले की हालियत बदल देगा। बेटी बेटी, आप बेटी कह रहे हो? उस वक्त कहाँ सो गया था तुम्हारा प्यार, जब मेरा प्यार छीना था। खूब किया था तूने प्यार। रामनगर से आने वाले सभी लोग कह रहे हैं कि जमींदार के बच्चे ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी चार चार शादियां की हैं। नहीं तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार तमाचे लगाऊंगी और एक गिनूंगी। हाँ, पर मैं तो पूरे के पूरे गिनूंगा धतूरा खाके। सरदार, thank you.
लड़ते थे मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आँखों से उजाले। आँखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूं सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। पचास बरस की उम्र हो गई, मगर ना कसम ऐसी बीन नहीं सुनी। नहीं नहीं नहीं, नहीं सुने। कौन हो तुम बीन वाले? बंगाली सपेरा आकाबा का। अरे अरे दरियल तुम कौन हो? मैं मद्रासी सपेरा चिड़िचिड़ा। नमस्कार। मिलजुल के काम करेंगे आकाबा का तो खूब मिलेगा टाका। मिलजुल कर? हाँ, तुम्हारी बीन और बन्नानी का गाना, ना कसम सारी दुनिया को लूट करेंगे। जरा सोचने की बात है, क्यों चिड़िचिड़ा का? अरे मान जाओ ना आका बाग का, इसमें दोनों का फायदा है। फायदा तो दोनों का ही है। मान जाओ, मान जाओ आका बाग का, मान जाओ। मान गए चिड़िचिड़ा का, मान गए। अरे देख चाली, अरे खाओगे धतूरा? धतूरा मजा आएगा पूरा पूरा, सरदार हम जाते हैं। जा, जा, इधर चले धतूरा खाके। ये बनानी को भारत नाट्यम का कथा काली सिखाने जा रहा हूँ। रहने दो भारत नाट्यम का कथा काली। इस कबीले की रीति है कि मर्द अलग औरतें अलग धतूरा खाके। क्या कहा? मर्द अलग औरत अलग। मैं तेरी पेशानी पर क्या देख रहा हूँ? क्या है? ऐसा लगता है तू किसी लड़की पर बुरी तरह से मरता है। हाय, और तुम कैसे जान गए धतूरा खाके? ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या। तो क्या तुम ज्योतिषी भी हो? अरे दरअसल मैं ज्योतिषी ही हूँ, गाना तो शौकिया गाता हूँ। अपना घोर संग्राम मादल, मंगल और शनि में युद्ध हो रहा है। मंगल कहता है कि लड़की मिलकर रहेगी, शनिचर कहता है कि हर चीज नहीं मिलेगी। हाँ पर लकड़ी, हाँ लड़की क्या कहती है? उसके लिए मुझे लड़की का हाथ देखना पड़ेगा, वो मुमकिन नहीं।
हाँ क्यों 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 मुमकिन नहीं? अरे तुम्हारे कबीले की रीत यही है, मर्द अलग औरत अलग। नहीं नहीं जोशी जी महाराज, जोशियों के लिए कोई रीत नहीं है? चलो 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 ना, जरा अच्छी तरह हाथ देखना, धतूरा खा। चलो 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 चलो। अबे सुन बे ओ दरियल, क्या नाम? चक्का बक्का, हत्ता बक्का है, चिड़ी चड़क्का। देख इधर अच्छी तरह खड़े रहिए, कोई अंदर ना जाने पाए। अरे समझ गया, चलना समझा। चलो चलो आओ चलो। कौवे से खेत की रखवाली क्यों, कैसी कही धतूरा खा के? बनानी, ओ बनानी बनानी, देख देख देख, ये आका बाका है ना, ये बहुत अच्छे जोशती है, ये तेरा हाथ देखें। किसी पराए आदमी के हाथ में मैं अपना हाथ कैसे दे दूं? अपमान, घोर अपमान, निराले जोशी की बेइज्जती। हम इस कन्या का हाथ नहीं देखेंगे। महाराज महाराज, मुझ पर दया करो धतूरा खा के। अरे एक तो हम धतूरा नहीं खाते, दूसरे कन्या क्यों चुप है? बनानी बनानी, हाथ दिखा देना, क्या दुख है? अरे जोशती है जोशती। अच्छा तुम कहते हो तो दिखा देती। देखो जी अब आई ना रास्ते पर। अच्छा बेटा अब तुम चलते फिरते नजर आओ। क्यों? एक कन्या का हाथ अकेले में देखना पड़ेगा, ज्योतिष विद्या है ज्योतिष विद्या। अच्छा अच्छा, तो मैं फिर कब आऊं? तुम शाम को आना। तो तुम शाम तक हाथ देखते रहोगे? असली ज्योतिषी तो एक एक महीने तक हाथ देखते रहते हैं, समझा? अच्छा ज्योतिषी जी महाराज, शाम तक अच्छी तरह हाथ देखना धतूरा खा के। अच्छा तुम जाओ। अच्छा धतूरा खाओ। अच्छा ज्योतिषी जी, अच्छा अच्छी तरह देखना। तुम जरूर आओगे? मैंने कहा है ना बनानी कि मैं तुझे ढूंढ लूंगा एक दिन। मैं तो अपने जहर खा के मर गई होती बाबू, पर मेरा दिल कहता था, मेरा दिल कहता था मेरा बाबू भी मेरे बगैर न जी सकेगा। जहर होटल तक आता था, वापिस चला जाता था। छोकरी छू छू, मादल तुम पर मरता है, तुम्हें मादल पर मरना होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे उसकी मनुष्य से नफरत है, उसे मर जाने दो, उसे मर जाने दो। मादल को मरने दो। जोशी जोशी हट जा, मैं इसको ठीक करता हूँ। बेटा अगर तूने इससे कुछ भी कहा तो तेरी एक आंख जाती रहेगी। मैं तो इसका कुछ उपाय करो बाबा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, उपाय सिर्फ इसका एक ही है, वो मैं तुमको बताता हूँ। क्या? और वो है अपलम चपलम चपलाई। अपलम चपलम चपला, क्या मतबाल? मतलब ये, आज रात को पहाड़ के उस पार ज्योतिष बाबा अखंड अपलम चपलम चपलाई हवन करेंगे। तुम कन्या को ज्योतिषी बाबा के पास छोड़कर शांति के साथ चले जाना। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो बाबा, ये उपाय मेरे सामने नहीं हो सकता। हो सकता है हो सकता है, लेकिन तुम लंगड़े हो जाओगे, कन्या लूली हो जाएगी। ओ, 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 और अगर मैं दूर से देखूं तो? तुम अंधे हो जाओगे, कन्या कानी हो जाएगी। बाबा 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 बाबा, मुझे देखने दो बाबा। देखना ही चाहता है? हाँ तो देख, पहाड़ के उस पार से देखना, मगर एक शर्त पर। क्या? तुझे कुछ भी नजर आए मगर तू अपनी जगह से हिलना मत। क्या नजर आएगा जोशी बाबा? तुझे नजर आएगा हवन के बाद, पहले मैं जा रहा हूँ और उसके बाद कन्या जा रही है। कन्या जा रही है कहाँ? ये सब तेरी नजरों का धोखा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जादू है। हाँ, खूब समझा खूब समझा। और भी समझ ले। हाँ? कभी कभी तुझे ये दिखाई देगा, हमारे बदन हवन कर रहे हैं और आत्माएं जा रही हैं। और कभी तुझको ये दिखाई देगा कि हमारी आत्माएं हवन कर रही हैं और बदन जा रहे हैं। ठहरो 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 जोशी बाबा, अगर आत्मा और बदन दोनों ही जा रही हो तो? तो समझ लेना बेटा, ये तेरी नजरों का धोखा है। अपलम चपलम चपलाई। चलो झरना भाग चले। हाय दैया। हाय दैया, क्या ये तो भागने का मौसम है। उधर अपलम चपलम चपलाई हवन के बाद बिजन और बनानी भाग जाएंगे, इधर अपन हवन के बिगड़े भाग जाएंगे। हाय दैया, तुम चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। चले जाओ यहाँ से, मैं इतनी बार कहा कि तुम भाग चलो, तुम एक बार तो कहो आओ भाग चलो। हाय दैया। झरना, ओ झरना, ये किससे बातें हो रही थी धतूरा खा के? हाय दैया, मैंने तो कभी धतूरा नहीं खाया और ना किसी से बातें हुई थी। तो ये कौन कह रहा था आओ भाग चल ले?
यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो कोई नहीं पर तुम झूठ बकती हो, मैंने खुद अपने कान से सुना है धतूरा खा के। तुम चलते थे किसी बात को दिखाओ। क्यों आई यहाँ मत रखो, वहाँ रखना। तो यहाँ क्यों ना रखो। हाँ तो झरना, तू कह रही थी कि मैं वैद्य को दिखाऊं। हाँ, तुम्हारा भेजा बोल रहा है। मेरा भेजा? हाँ, इसलिए कि तुम दिन रात बनाने के साथ भाग जाने की सोचते रहते हो और ये आवाज तुम्हारे भेजे से आई। समझ गया, समझ गया। अरे 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 झरना, तेरे को तो ठंडी लग गई है और वो भी बड़ी जबरदस्त। तेरी एक एक छींक दो दो छींक के बराबर है। हाय भैया, कहीं तुम्हें भी ठंडी ना लग जाए। जाओ जल्दी से जाके धूम में बैठो। झरना, तू इतना ख्याल क्यों करती है मेरा? इसलिए कि तुम मेरे होने वाले बहनों ही हो और बनाने मेरी बहन है ना। आ हा हा हा, नशे आ गए, नशे आ गए। मैं कहता हूँ अच्छा, अरे मेरी एक छींक भी दो दो छींक के बराबर है। अच्छा किया तूने बता दिया झरना, मैं बाहर धूप में जाके बैठता हूँ धतूरा खा के। जाऊं? अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ मेरी गली आई रे। लारा नप्पा कुड़ी रख जा, एडी टप्पा तू पक जा। आ गया बेटा। हाँ महाराज, बेटी को भी लाया। अरे बेटी मत कहो, बेटी मत कहो, हमें इससे प्यार करना है। प्यार? हाँ प्यार, प्यार हम करेंगे और तुम समझदार तुम कर रहे हो। तुम्हारी तुच्छ आत्मा हमारी महान आत्मा में समा जाएगी। ये लड़की हमारी तरफ खींच कर आएगी और तुम समझदार कि तुम्हारी तरफ खींची चली जा रही है। अच्छा महाराज, अच्छा, अच्छी तरह प्यार करना धतूरा खा के। हाँ बेटा, अब जाओ तुम पहाड़ के उस पार से देखना हमारी ज्योतिष विद्या का चमत्कार। नहीं 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 महाराज, मैं तो यहीं बैठ गया। बैठ जाओ, डंगरे हो जाओगे। बनाने घबराना नहीं, समझना मैं ही हूँ। हाँ? अच्छा मैं चला। कन्या, आओ कन्या, तुम यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो कन्या। क्यों बाबू, अपलम चपलम चपलाए जो चिकित से बन गई? क्या क्या न किया इष्ट में, क्या क्या न करेंगे। जमींदारी छोड़ी सपेरा बना और बनानी अब तुम्हारे लिए जोशी भी बनना पड़ा बाबू। अरे 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 ठीक है राका, ये अक्का बक्का तो सारे हिंदुस्तान का बड़ा माना हुआ जोस्ती है ना। हाँ जी, ये तो अपने बाप चपलम चपलाका से बाजी ले गया धतूरा खा के। हाँ हाँ हाँ, धतूरा खाया है तभी तो इतना खानदानी जोस्ती है। अरे देखो 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 देखो, वो किस तरह छोकरी के दिल में कूट कूट का मेरा प्यार भर रहा है धतूरा खा। अपलम चपलम चपलाई ओ काली कलकत्ते वाली, हे सुंदरी मोहनी मूरत वाली, मेरी इन आँखों में देख, आँखों में देख। अरे मादल। हाँ? ये आका बाका तो बनानी से प्यार की बातें करे है। अरे सरदार तुम नहीं समझते हो, ये अपलम चपलम का मामला है। देखो बातें तो वो कर रहा है पर प्यार मैं कर रहा हूँ धतूरा खा के। पागल तो नहीं हो गया है धतूरा खा के? नहीं नहीं, अरे चिड़ी चिड़ाता दे ताली। एगन बैगन तली चलेगन सावा पीला ठिकरा छू, तुम्हें मेरी पन्ना ही पड़ेगा, छोड़ दे नकरा छू। हाँ, एक वो ज्योतिषी ने बनानी का हाथ पकड़ लिया। सरदार चुप रहो ना, हाथ उसका पकड़ा है पर बनानी याद तो मुझे ही कर रही है धतूरा खाके। अरे ये उल्टा ज्योतिषी है आका बाका। क्यों? वो प्यार की बातें तेरे से क्यों नहीं कराता? सरदार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सब बड़े बड़े ज्योतिषी ऐसा ही करते हैं जैसा आका बाका कर रहे हैं धतूरा खाके। यही मौका है। अगर आपके इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो मार ही डालेंगे। नहीं नहीं बनानी, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। मेरा दिल डर रहा है। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो भाग रहे हैं मादल। नहीं नहीं सरदार, वो भाग नहीं रहे हैं, वो तो वहीं बैठे हैं, मेरा प्यार पक्का कर रहे हैं। चपलम चपलम चपलाई, दुश्मन की शामत आई, अपलम चपलम चपलाई, छू छू अरे वो तो भाग भी गए। यही तो मजे की बात है सरदार, तुम समझते नहीं हो, तुम समझते हो वो भाग गए हैं, भागे नहीं है, वहीं बैठे हैं, मेरा प्यार और भी पक्का कर रहे हैं। क्यों भाई? तो तू रखा दे मादल, वो वापस भी आएंगे या नहीं? अरे सरदार कहीं गए ही नहीं तो वापस क्या आएंगे, देखो वहीं बैठे बैठे मंत्र पढ़ रहे हैं। तो मंत्रों की आवाज क्यों नहीं आती? आवाज? आवाज तो नहीं आती। आवाज अब कभी नहीं आएगी मादल, तेरे पागलपन ने मेरे को भी मरवाया। जानता है तू वो ज्योति कौन था? कौन है सरदार?
क्यों कैसी कही? क्यों कैसी लगी? मुझे घेरे हुए क्यों? मैं कहाँ हूँ? आपकी देखभाल हो रही है। मगर मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? आप पता भी क्यों नहीं? आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। राजकुमारी खूब फंसे। मेरा नाम क्या है? पता भी क्यों नहीं?
नाम क्या है? क्या हुआ है? मालूम होता है इनके दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी। ये अपनी बीती हुई जिंदगी भूल गए हैं। इन्हें कुछ भी याद नहीं। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? ये क्या बक रहे हो मादल? ये मैं नहीं बक रहा हूँ सरदार, बनानी बक रही थी। जब गांव में उसे होश आया तो ऐसी बातें करने लगी, मैं समझा उसका भेजा खराब हो गया है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? बकवास बंद करो, ये बताओ वो भागी कैसे? अरे सरदार वही तो बता रहा हूँ, वो कैसे भागी। हा 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 हा, उसने मुझे खूब उल्लू बनाया। कहने लगी कि वाह 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 वाह, तुम कौन मैं कौन? और झट से बोली कि मैं बन जाऊंगी कदलबाज कबीले की रानी उरा उरा करम, और मैं बन जाऊंगा जंग बहादुर कबीले का बादशाह मुख्तावर जंग बदावर। बताइए, और बोली कि फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। आहा हा हा हा, सरदार मैं तो ये शादी का नाम सुनते ही बेहोश हो गया। ऐसा बेहोश हुआ कि बिल्कुल बेहोश हो गया। जब होश में आता हूँ तो क्या देखता हूँ, बनानी की जगह तुम खड़े हो धतूरा खा के। आए बनानी, बनानी यही बोली, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम क्या है? Oh,
हो जानी चाहिए कल ही।
रो क्यों रही हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए मत रो, मैं तो अब अच्छा हूँ बंजारा। तुम अच्छे होते तो मुझे बंजारा नहीं कहते। मैं तुम्हारी बनानी हूँ और तुम मेरी बिजो। मैं समझ गया, तुम्हारे बिजन ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया है और उसी की याद में तुम पागल हो गई। तुम्हारे बिजन की शक्ल मुझसे मिलती जुलती होगी, इसलिए जब भी तुम मुझे देखती हो तुम्हें अपने बिजन की याद आती है। रो बंजारा, रो। तुम जरूर यहां आया करो, मुझसे बातें किया करो, हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा बिजन तुम्हें वापस मिल जाए। तुम ही मेरे बिजन हो बाबू, तुम ही तो मेरे बिजन। कुछ याद करो, वो बांसुरी, वो झूला, वो गीत, वो नाच, कुछ तो याद करो बाबू। मुझे कुछ याद नहीं आता। तुमने मेले में सपीरा बनकर बीन बजाई थी और मैं नाची थी। मुझे कुछ याद नहीं आता। महल भी कुछ भी याद नहीं आएगा। चलो चलो यहां से, मेरे साथ चलो बाबू, जल्दी करो। छोड़ दो राजकुमार, कभी नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं ये राजकुमार नहीं मेरा सपेरा है। अगर जिंदगी की तमन्ना है तो फौरन यहाँ से वापस चली जाओ। मैं अपने सपेरे को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजकुमारी, इसे जाने दीजिए। इसे जाने दूं जो एक बंजारी होकर बार बार मेरे राजकुमार को मुझसे छीनना चाहती है? राजकुमारी ये नहीं जानती क्या कर रही है। अपने सपेरे को खोकर बेचारी प्यार में पागल हो गई है। मैं वादा करता हूँ राजकुमारी, शादी मैं आप ही के साथ करूंगा। शादी का मंडप मेरी चिता पर बनेगा। चलो बाबू मेरे साथ। बंजारन तुम जाओ, बंजारन तुम जाओ। अब इस महल के बाहर जाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी या मेरी लाश। बाबू 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 बाबू! शमशेर सिंह, ये लड़की जिंदा न रहने पाए, ये लो। तुम्हारा राज, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शान मेरे सपने को मुझसे नहीं छीन सकती। बाबू बंजारन, मत जाना तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। क्यों हो गया बेगाना, क्यों हो गया बेगाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये तूने नहीं जाना। तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये तूने नहीं जाना। ओ ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर
फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। बंजारन, तुम्हारा सपेरा अब भी तुम्हें मिल सकता है मेरी मदद से। तुम हमारी मदद का हेतु करोगे? तुम्हारी नहीं, अपनी मदद। तुम परदेसी को चाहती हो, मैं राजकुमारी को। हमारे रास्ते दो हैं लेकिन मंजिल एक। झगड़ा, चलो भाग चले। हाय दैया, जब देखो भाग चले भाग चले। कभी प्यार की बात भी तो किया करो। हाय दैया, वो भी मुझे ही करनी होगी, मुझे तो शर्म आती है। हाय दैया। झरना, प्यार की बातें करेंगे लेकिन पहले भाग चलो। माँ तला रहा है। हाय दैया, जल्दी से कहीं छुप जाओ। चल झरना। अरे ओ झरना। हाँ? अरे बनानी कहाँ है, ना दिन को दिखती है ना रात को। कहीं छुप के रो रही होगी। हाँ, वो आंखों से पानी बरसा रही है और यहाँ सीने में आग लगी हुई है। सवेर से दो घड़े पानी पी गया, धतूरा खा के, प्यास ही बुझने में नहीं आती। पानी है। हाँ? मैं तुम्हें ज्यादा पानी नहीं पीने दूंगी। क्यों? पेट में अफारा आ जाएगा। हाँ, होने वाली साली, होने वाले बहनोई का होने वाली शादी से पहले ही कितना ख्याल रखती है। अरे जरा बनानी को भी तो समझा धतूरा खा के। फंस गया। अरे धरना, ये मटका फोड़ दो तो मैं मर जाऊंगा। हाय दैया, मटका कैसे फोड़ू, ये तो मेरे बाप की निशानी है, वो मेरे लिए छोड़ गए। अरे वो तुम्हारे बाप के बाप, बाप तो कमबख्त मर गए लेकिन ये मुर्दे के लिए जिंदे को मत मारो, मैं तो मर जाऊंगा। तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा। अरे तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा लेकिन मटके के लिए नहीं, ये मटका फोड़ दो तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा खैर खैर, फोड़ती हूं। तुम अंदर नहीं जा सकते। बाबा गुरु घंटाल हर जगह जा सकते हैं बेटा, पूछोगे कैसे? जा मेरी छोड़ दे कलाई, कलाई सैया जा मेरी छोड़ दे कलाई, बलम मोरे जा छोड़ दे कलाई, कलाई सैया जा। वाह कैसे छोड़ दूं कलाई, कलाई तोरी वाह, ओ मेरी लुगाई लुगाई यहाँ आ। जा मेरी छोड़ दे कलाई, कलाई सैया जा भाई।
किस की लुगाई मुझको बचाले सैया मुझको बचाले सैया। अरे आ तेरी थाम लू कलाई कलाई गोरिया। इसको पटने की जेल में भेजूंगा इसको पटने की जेल में तुझको फंसाऊंगा अखियों के खेल में तुझको फंसाऊंगा अखियों के खेल में करूंगा सगाई सगाई यहाँ करूंगा सगाई सगाई यहाँ मेरी छोड़ दे कलाई कलाई सैया जा। बोल 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 आनंद बेटा तेरे प्रेम में जो गड़बड़ घोटाला हो गया है वो अब दूर होने वाला है ना प्रेम रहेगा ना प्रेमी। वाह 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 आगे सुन बेटा दोनों का भजन कर दूंगा। शमशेर सिंह उड़ जा ये क्या तमाशा लगा रखा है। खूब राजकुमारी ये है बाबा गुरु घंटाल चित जो हिमालय पर्वत की आखिरी चोटी से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद लेकर दुखी जनों का कल्याण करने सीधे यहाँ। हमें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं इनसे कोई यहाँ से चले जाए जो आता है वो जाता भी है बेटी। मैं ये तेरे चौकटे पर क्या देख रहा हूँ क्या किसी का प्रेम चमक रहा है आपको कैसे मालूम। ज्योतिष अगर आपका ज्योति सच्चा है तो बताइए राजकुमार मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते। राजकुमार उस्तादों को तेल के लड्डू खिलाती है बेटी वो राजकुमार नहीं सच सच बता नहीं तो भस्म कर दूंगा। क्षमा महाराज आप सच कहते हैं मुझे आप पर विश्वास हो गया। क्यों ना हो हम पर विश्वास जब हम सच्चे हैं। चलिए बैठिए महाराज। बाबा गुरु घंटाल बैठा नहीं करते 16 साल से खड़ा आसन कर रहे हैं दिखाई नहीं देता बेटी। मैंने आपका सत्यपति आज तक नहीं देखा महाराज। और ना देखोगी बेटी खड़ी हो जा बोल क्या है तेरे मन की आशा। महाराज मैं जानना चाहती हूँ राजकुमार मुझसे प्रेम करेंगे या नहीं। राजकुमार फिर राजकुमार झूठ काहे को बोलती है बेटी सच बताओ कौन है। महाराज वो एक बंजारे का सपेरा है। तो क्या चाहती महाराज बताइए वो मुझसे प्रेम करेंगे। काम बहुत मुश्किल है बेटी मगर हम उसका हाथ देखकर बता सकेंगे। चलिए महाराज चलिए अकेले में अकेले में बाबा गुरु घंटाल का रिद्धि सिद्धि ज्योतिष अकेले में ही काम करता है। बेटी तू एक बार हम दोनों को अकेले में छोड़ के तो देख तेरी क्या हालत बनाता हूँ। मेरा मतलब है कि तेरा प्रेम उसके मन में कैसा जगाता हूँ बेटी। चलिए महाराज कौन हो तुम बिचार बंजारन तुम रूप बदल कर क्यों आई हो। क्या क्या न किया तेरे इश्क में क्या क्या न करेंगे। तुम्हारा प्यार देखकर जी चाहता है काश मैं तुम्हारा होता। तू मेरे हो मेरे ही रहोगे महाराज। बोम बोम बोला नाथ बोल बेटी आप इनसे क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे कह रहे थे कि जबान हमारी है शब्द तुम्हारे हैं तुम्हारी सच आत्मा हमारी महान आत्मा में समा गई है। बोल बाबा रहे हैं प्यार तो कर रही है बेटी। जय दुर्गे दुर्गतनाशिनी जहां भरोसा तहां इडली डोसा। बेटी इधर आ। महाराज राजकुमार के दिल में प्यार ज्यादा जागते जागते सो गया। अब क्या होगा कुछ करेंगे सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या महाराज। अपलम चपलम चपलाई मतलब ये कि हम अभी इसी वक्त राजकुमार को नदी किनारे ले जाकर सप्त ऋषि के दर्शन कराएंगे यानी कि दिन को तारे दिखाएंगे। बेटी इसी को कहते हैं अपलम चपलम चपलाई। बम बम बोलो नाथ। महाराज पीते रहो बेटी। शमशेर सिंह राजकुमार को सप्तऋषि के दर्शन करवा के
महाराज अपलम चपलम चपला ही हवन करेंगे। वाह 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 वाह, हा 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 हा, तो ये अपलम चपलम चपला ही हवन यहाँ भी शुरू हो गया? हाँ बंजारे, तो समझ लो राजकुमार गया आपके हाथ से। वो तो देखो गाड़ी जा रही है। भाई तो यही देता है कि गाड़ी जा रही है, तुम्हें नहीं मालूम गाड़ी हमारी ओर आ रही है? अजय नहीं नहीं, गाड़ी उस ओर जा रही है, मेरा बेड़ा भी इसी तरह गरक हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हवन करने वाला था वो भज्जन और अब है बनानी। शमशेर सिंह, तुमने तो बनानी को मार डाला था ना? जी हाँ बिल्कुल, मार दिया था, जान से मार दिया था, गोली से मार दिया। लेकिन वो मरकर जिंदा कैसे होगी? बेहतर है राजकुमारी ये उसी से पूछिए, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि एक दिन मरेगी जरूर, चाहे 100 साल बाद मरे। घर में कोई कदम नहीं रखता, जल्दी चले जाओ कहीं तुम पर भी इसका साया न पड़ जाए। जाओ भाई जाओ। कौन है आप लोग? दो परदेसी, एक रात के लिए आकर जाए। बेटी, मेरी बेटी आ गई। बेटी? आपकी बेटी शायद आपसे बिछड़ चुकी है। हाँ बेटी, 20 बरस हुए इनकी बच्ची इनसे जुदा हो गई। अब तुम्हारी उम्र की जिस बच्ची को ये देखते हैं इन्हें अपनी बच्ची समझकर धोखा होता है। नहीं रामू नहीं, इस बार मैंने धोखा नहीं खाया। अरे जरा देखो तो, ये तो मेरी वही बच्ची है जिसे आज से 20 साल पहले मैंने मनहूस समझकर अपने हाथों संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था? हाँ बेटा। और वो संदूक बंजारों के हाथ आया? सरदार दिनकरी की बातों का मतलब अब मेरी समझ में आया। मेरे बाबा मुझे मिल गए। मेरी बेटी, मेरे बाबा, बाबू, बाबू, मेरे बाबा मुझे मिल गए, मेरे बाबा मुझे मिल गए। ये तुम्हारे साथी कौन है बेटा? बताती हूँ बाबा। अब तुम ही बताओ बाबा, क्या दवा करूं इनकी? जिस बीमारी की कोई दवा ना हो बेटी, उसकी दवा खुद भगवान। मेरी जीवन आशा तो तीर्थ यात्रा से पूरी हुई थी। लाखों मन्नतों और दुआओं के बाद मैंने तुम्हें पाया था बेटी। तुम्हारी जीवन आशा भी शायद तीर्थ यात्रा से ही पूरी होगी। सच्चे दिल से भगवान को पुकारना बेटी। याना, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा और मैं आ गया। चलो भाग चले। हाय भैया, तुम अकेले भाग जाओ,
वरना मारे जाओगे। जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। चलो इस पीपे में छुप जाओ। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। ये मेरी माँ की माँ की माँ की निशानी है। अरे ये तुम्हारे माँ के माँ के माँ की निशानी है, इसलिए तो इसमें छुपा कर तुम्हें ले जाऊंगा। चलो अबे ओ चोर, ओ चोर के बच्चे, ये मेरा मटका उठा के लिए जा रहे हो? हैं? जाओ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मुझे सिवाय बनाने की और कुछ नहीं चाहिए धतूरा खा के। जाओ। अच्छा। अरे जाओ ना, बनाने बनाने कहाँ हो बनाने।
झूला। कुछ याद आया? कुछ याद आया बाबू? कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? याद करो बाबू, कहाँ देखा था? वो लोग भी तो इसी तरह से झूला करते थे। कौन लोग? कौन लोग? यही तो मुझे भी याद नहीं आता। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? बाबू, याद करो, याद करो बाबू। पिया ना लगे मुरा दिया, आजा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी। तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया ना लगे मुरा दिया, आजा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी। तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। Thank you.
के दुश्मन दिल तड़पाने वाले, कोई नहीं बुझाने वाला, सब है लगाने वाले बरसोरे। हाय बेरी बदरवा बरसोरे, आज किसी के प्रीत नगर में लग न जाए आग बरसोरे। हाय बेरी बदरवा बरसोरे बरसोरे। के लिए भगवान ने अंगारों को फूल बना दिया। बस सरदार, पिघल गए धतूरा खाके। बनानी किसकी है, ये फैसला भगवान कर चुके माधव। भगवान का फैसला हो गया होगा, लेकिन माधव का फैसला भी बाकी है। छोटे सरकार, छोटे सरकार, मैं बन्नानी को अपने हाथों से आपके हवाले करूंगा। छोटे सरकार, आपके प्रेम की सच्चाई हमने तो मान ली, मगर मादल नहीं मान। सरदार, प्यार शबनम होता है लेकिन वक्त आने पर शोला भी बन जाता है।
अगर जरा भी आगे बढ़े तो मैं बनाने को पहाड़ के नीचे ढकेल दूंगा। बनाने की जिंदगी चाहते हो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मैं कहता हूँ, चले जाओ मैं कहता हूँ, चले जाओ। बादल, जाने से पहले मैं बनाने से दो चार बातें कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी कर लो जल्दी। बनानी, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। ने फिर से पुरानी कहानी दोहरा दी। मिलना, चाहना, बिछड़ना, फिर मिलना और फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाना। ब्राह्मणों के रीत के अनुसार विजन और बनानी की शादी हुई। उन दोनों की जवानी में ही मौत हो गई। मैं समझा वो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन क्या मालूम था 25 साल के बाद विजन और बनानी नए जन्म और नए नाम लेकर किसी महल को आबाद करेंगे, लेकिन अपने मट्टू को नहीं पहचानेंगे। क्यों, कैसी कही है?